बगल वाली पड़ोसन। भंडारी जी क्या सोच रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, बहुत हसीन सपना देख रहे थे। खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दीजिए आप। चलिए बैठिए, वहाँ पर ऑडिशन देना है ना। हाँ जी, चलिए चलिए। हाँ तो भाइयों, अब हम ऑडिशन शुरू करते हैं। हैं, मैं उस कमरे में जा रहा हूँ, आप लोग एक एक करके उस कमरे में आना और मेरे को ऑडिशन देना, और फिर मैं बाहर आके बताऊँगा कि कौन सिलेक्ट हुआ है भगवान कृष्ण के रोल के लिए। ठीक है, समझिए आप लोग। और तो ये मेरी असिस्टेंट रोजी। ओ माय गॉड, हाय रोजी। हाय कुत्ते, आई लव इट। पीका बेटा, औकात मेरे, बदतमीजी मत कर इधर। आई एम सॉरी भैया। हाँ तो रोजी, तुम एक एक करके इन सबको अंदर भेजना। ठीक है? ठीक है सर, आई लव इट। भाभी माँ, शिल्पा भाभी माँ, चरण स्पर्श। युक्ति भाभी माँ, चरण स्पर्श है। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर, तुम भेजो एक एक करके। पहला नंबर किसका है? रोजी, पहला नंबर तो मेरा हो है। तो जाना कुत्ते। जो तो बड़ी बदतमीज है यार। देव जी। यस रोजी। आपका नंबर है, जाइए ना। ओके ओके रोजी, मैं आता हूँ। रोजी ऐसी हरकतें मत करो, मेरी बीवी बैठी है इधर, वैसे मुझ पर बहुत शक करती है। ओ ऐसा क्या? अब बदतमीजी मत करो रोजी, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ भैया सिन्हा जी, तो बोलिए हमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सिलेक्ट हो चुके हैं ना कृष्णा के लिए। सिन्हा जी, सिन्हा जी, आप इतने अच्छे इंसान हो, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोग, आपने मेरा दिल खुश कर दिया यार। मैंने दिल खुश कर दिया, आई लव इट। ये तो भैया वो शौक का ज़रा याद रखिएगा, ठीक है, 440 वोल्ट का। हाँ हाँ मुझे याद है ना सिन्हा जी, ज़रूर आपको मिल जाएंगे शौक। तो आप जाइए भैया, क्या करना है, जाइए, आप सिलेक्ट होंगे, जाइए। थैंक यू सो मच सिन्हा जी। अरे लो देव भैया आ गए, देव भैया आ गए, लो देव भैया आ गए। अगला नंबर किसका? अगला नंबर भंडारी जी आपका है। ओके हाय रोजी, चला जाना कुत। ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहती हो। देव देव इधर आओ, इधर आओ। या बेबी, कैसे रहा? बेबी बस तुम समझ लो कि मैं कृष्णा के रोल के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कितना मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। अंशु ने सिन्हा जी, हाँ तो बताइए फिर क्या प्रस्तुत कर दें आपके सामने। भैया ऐसा है, मैं यहाँ पर ऑडिशन लेने के लिए बैठा हूँ, मजरा देखने के लिए तो नहीं बैठा है ना। यार ये कैसे बात कर रहे हैं यार आप? अरे भैया आपको कुछ प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी सिलेक्ट है ना। अरे अरे हाँ हाँ सिन्हा जी, आपको याद है? भैया मैंने पहले ही बोला मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। हैं, लेकिन सिन्हा जी आप अपनी बात से मुखर मत जाइएगा, कृष्णा का रोल हमें दीजिएगा। भैया आपको दे दिया मैंने, समझिए आपको दे दिया मैंने। वैसे भैया आप अपनी बात से मुखर मत जाना है ना। जी जी हमें याद है ना, बिल्कुल याद है, हम आपको वो जहरीली वाली मछली से ज़रूर कटवाएंगे। आई लव इट। ठीक है भैया आप जाइए, हैं हो गया आपका, जाइए जाइए आप। हैं, थैंक यू सिन्हा जी। हाँ हाँ ये देखिए मलेश जी आ गए। मलेश जी कैसा रहा? बस शिल्पा तुम समझ लो कि कृष्णा का रोल सिन्हा जी ने हमें दे दिया। हाँ आपको सिलेक्ट कर लिया, अब कितना मजा आएगा आप कृष्णा बनेंगे तो। जी सच में शिल्पा बहुत ज्यादा आनंद आएगा। कुछ समय पश्चात। हाँ तो भाई और बहनों, मैंने सबका ऑडिशन ले लिया है और सबके लिए मैंने एक एक किरदार फाइनल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा था वो था कृष्ण का, कि कृष्ण का रोल कौन करेगा। तो कृष्ण का रोल भी मेरे हाथ में है, वो पर्ची जिसमें लिखा है ये नाम कि कौन बनेगा कृष्ण, है ना। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अब। अरे सिन्हा जी आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रियलिटी शो थोड़ी चल रहा है, आप जल्दी से बता दीजिए ना कौन सिलेक्ट हुआ है कृष्ण के लिए। जी 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 भाभी माँ जी। अरे तो दोस्तों अब भाभी माँ ने भी कह दिया है, तो मैं वो नाम बताता हूँ, और वो नाम है दोस्तों
वो नाम है, वो नाम कोई और नहीं बल्कि है। अरे बताइए ना यार। भैया बता रहा हूँ ना यार। सिन्हा जी जय के, जल्दी बता दीजिए, सस्पेंस मत बढ़ाइए अब। अरे भैया सस्पेंस में ही तो मजा है, सस्पेंस में ही मजा है भैया। अरे यार ये आदमी। तो वो नाम है भंडारी भैया। यस देखा 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 देव जी, हमने कहा था ना कृष्ण का रोल हमें मिलेगा। हम बहुत खुश है, देखा भाभी जी कृष्ण का रोल हमें मिल गया। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। दरअसल एक नहीं, हमारे पास दो नाम है और दूसरा नाम है देव भैया। सिन्हा जी क्या बात कर रहे हैं आप? यूको बेबी, बेबी ये रोल मुझे मिल गया है। बेबी मेरे क्या था ना कि मैं कृष्ण के रोल के लिए सिलेक्ट हो गया। एक मिनट एक मिनट, दो दो लोग कृष्ण के रोल के लिए सिलेक्ट हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? सिन्हा जी। जी 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 बोली बोली भाभी माँ। ये दो लोग कैसे सिलेक्ट कर दिया आपने? भाभी माँ वो दरअसल मैं क्या बताऊँ भैया, बता दूँ क्या? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं मत बताइएगा सिन्हा जी। भाभी माँ दरअसल बात ये थी कि इन दोनों का ही ऑडिशन मैंने लिया और ये दोनों ही बहुत ही अक्वल नंबर से पास हुए ऑडिशन में, है ना, कृष्ण के रोल के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही कृष्ण का रोल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अरे लेकिन अब इन दोनों में से कृष्ण कौन बनेगा? बेबी मुझे लगता है कि कृष्ण तो मुझे ही बनना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा फेस देखिए यार, अब लुक एट माय पर्सनालिटी, मैं लगता हूँ बिल्कुल एकदम यंग। और भंडारी जी को देखिए, इनके तो मूछें भी हैं, ये कहाँ से कृष्ण लगेंगे? अरे भाई क्यों 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 नहीं लग सकते हम कृष्ण? हम भी कृष्ण लग सकते हैं। अरे देखिए हम कितनी अच्छी बंसी बजाते हैं। बंसी बजाने का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कृष्ण बनने का प्रोग्राम हो रहा है, समझ रहे हैं आप? अरे यार तो देखिए देखिए हम कुछ नहीं जानते, कृष्ण तो हम ही बनेंगे। देखिए कृष्ण मैं बनूंगा, हम बनेंगे, मैं बनूंगा, अरे हम बनेंगे, हमने कह दिया ना यार। अरे तो मैंने भी कह दिया ना मैं बनूंगा। देखिए भंडारी जी इस बार मैं बन जाता हूँ, अगली बार आप बन जाइएगा। नहीं 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 इस बार हम बन जाते हैं, अगली बार देव जी आप बन जाइएगा। भंडारी जी आप जिद क्यों कर रहे हैं? तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? अरे एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? देखिए ना भाभी जी। भंडारी जी रुक जाइए, शांत हो जाइए। सिन्हा जी आपने क्या कर दिया? इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, अब हम लोग इन दोनों में से किसी एक को कैसे चूज कर सकते हैं? हाँ युक्ति जी बहुत ठीक कह रही हैं, अब इन दोनों में से हम कौन तय करेंगे कि कौन बनेगा कृष्ण? भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ मेरे पास एक आइडिया है। दरअसल हम लोग ये कर सकते हैं कि इन दोनों के गुण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण के पास कितने सारे गुण थे, है ना, अलग अलग तरह के। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके अंदर वैसे कैसे गुण हैं भगवान कृष्ण से मिलते जुलते, तो हम लोग इनमें से किसी एक को बना देंगे जिसके पास ज़्यादा गुण होंगे। हाँ सिन्हा जी दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, हम ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों शिल्पा जी? हाँ हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ये तय रहा, अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा गुण किसके पास है कृष्ण बनने के लिए, ठीक है देव? हाँ ठीक है मलेश जी। साइको सिन्हा तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सिन्हा जी जरा हमें बाहर तो मिलिए, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे।